हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं एलीट आई 20 का आपको रिव्यू देने वाला हूं और एक तरह से ये लॉन्ग टर्म रिव्यू भी है क्योंकि ये 17,000 किलोमीटर चल चुकी है और आप इस कार को पहचान भी रहे होंगे क्योंकि ये मेरे अंकल की कार है। तो आइए इस कार का आज रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एलीट आई 20 लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस एलीट आई 20 में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके फ्रंट से हम स्टार्ट करना चाहेंगे इस वीडियो को। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे इस प्रकार की और वीडियो बनाने में मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसकी लुक की बात करें फ्रंट की, तो इसकी लुक काफ़ी शानदार है, बहुत ही बढ़िया लुक इसकी मिलती है। और यहाँ पे आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और उसके ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे आपको मिल जाती है फोग लैम्प और उसके ऊपर में मिलती है आपको हेलोजन हेड लैम्प जो कि बहुत ही बढ़िया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हुंडई की लोगो यहाँ पे लगाई हुई है जो कि काफ़ी शानदार लग रही है। और ऑल ओवर इसके फ्रंट की बात की जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है और इसका फ्रंट जो है ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। फ्रेंड्स, ये जो हुंडई की कार है ये प्रीमियम हैचबैक के रूप में मार्केट में आती है और ये जो मॉडल है ये आस्टा मॉडल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एलॉय व्हील भी आपको मिल जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ORVM की बात करें तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और इसको आप जब भी की से लॉक या अनलॉक करते हैं तो ये फोल्डेबल टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिलती है और एक आपको आवाज़ भी देती है इस प्रकार की। तो ये है इसके टर्न इंडिकेटर जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और साइड की बात की जाए तो साइड से भी ये कार जो है ये काफ़ी खूबसूरत दिखती है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इसके बैक में, इसके पीछे किस प्रकार की लुक मिलती है। तो पीछे से भी आप बात करें इस कार की तो पीछे से भी इसकी लुक जो है ये काफ़ी शानदार देखने में लगती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आस्टा मॉडल की बेजिंग की हुई है और यहाँ पे टेल लैंप की बात की जाए तो ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखती है। और यहाँ पे आपको चार सेंसर मिल जाते हैं और यहाँ पे ये जो आस्टा मॉडल है तो यहाँ पे आपको पार्किंग कैमरा भी मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। पार्किंग कैमरा इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको एंटीना भी मिल जाती है जो कि नॉर्मल है, इसमें सार्फिन एंटीना नहीं दिया गया है क्योंकि ये 2018 की मॉडल है। और फ्रेंड्स, इधर आप साइड पे देखें तो ऑल ओवर लुक अगर आप इसकी बात करें इस एलीट आई 20 की तो इसकी लुक जो है वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि इसके अंदर हमें किस प्रकार की स्पेस मिलती है और अंदर की फिट एंड फिनिश क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए इस कार के अंदर आकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस डोर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1 लीटर के बोतल होल्डर की स्पेस मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे इस कार के अंदर में आपको 4 स्पीकर और 4 ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि यहाँ पे एक स्पीकर और यहाँ पे एक ट्यूटर मिल गया है आपको। और यहाँ पे देखें तो यहाँ काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे आपके ये जो कांच है इसकी कंट्रोल्स मिलते हैं आपको। और यहाँ पे आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं और ये जो स्विच है इससे आप ORVM को मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की स्विच यहाँ पे दी गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आप स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग काफ़ी चंकी और काफ़ी लाइट दिया गया है और यहाँ पे आपको काफ़ी कंट्रोल्स दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें तो ये जो स्विच है ये और यहाँ पे जो ये स्विच आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये आप इससे आप हेडलाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो स्विच है यहाँ से आप बोनेट को ओपन कर सकते हैं, ये बोनेट लीवर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फ्यूल लीवर यहाँ पे आपको मिल जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन्स भी मिल जाते हैं, रेडियो, मीडिया, नेविगेशन, मैप वगैरह का। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और इसके स्विच भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक काफ़ी छोटा सा स्पेस दिया गया है जिसमें कि आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको USB ऑक्स और 12 वोल्ट की जो है सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाती है। और फ्रेंड्स, इसके डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे डुअल टोन डैशबोर्ड आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। और यहाँ पे आप IRVM की बात करें तो यहाँ पे आपको डे एंड नाइट IRVM मिलती है जो कि आपको ड्राइविंग करने में रात में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है।
और यहाँ पे लाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रूफ लाइट जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप इसको इस प्रकार से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर दोनों एक साथ भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सनग्लास के लिए एक होल्डर दिया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और बात की जाए इसके अंदर की तो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग भी मिलने वाले हैं। और यहाँ पे इसके गियर लीवर की बात की जाए तो ये काफ़ी स्मूथ है, एकदम बहुत ही स्मूथ गियर लीवर इसके अंदर मिलता है, देखिए इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको इसके पार्किंग कैमरा की क्वालिटी दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके पार्किंग कैमरा की क्वालिटी जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आपको एकदम क्लीन दिखती है और यहाँ पे डायरेक्शन जो है आप देख पा रहे होंगे कि आप जैसे ही अपने व्हील्स को इधर उधर मोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन एकदम से मिल जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ इसमें दी गई है। तो फ्रेंड्स जब भी आप बाइक करते हैं, गाड़ी को अपने पार्किंग में लगाते हैं या कहीं पर भी आप गाड़ी को अपना बाइक करते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं होती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको एसी रियर एसी वेंट भी यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत ही शानदार है। जब भी आप यहाँ पे 5 लोग या 4 लोग बैठते हैं तो वहाँ पे कूलिंग आपको बहुत ही अच्छी ढंग से मिलती है। और आप इसमें यहाँ पे एक हैंडरेस्ट भी दिया गया है जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके अंदर एक छोटा सा स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि आप कपड़ा वगैरह कुछ रख सकते हैं। और छोटी छोटी 2 स्पेस यहाँ पे दी गई है। और ये है क्लीन इंडिया के लिए एक छोटा सा, स्वच्छ भारत के लिए एक छोटा सा डस्टबिन जो कि यहाँ पे हुंडई की तरफ से मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसकी ऑल ओवर फ्रंट की लुक की बात की जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। और हुंडई की फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर भी यहाँ पे आपको मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी बढ़िया भी इसमें देखने में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। और फ्रेंड्स इसके ग्लोव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है, काफ़ी छोटा है पर ठीक ठाक है। यहाँ पर आप 1 लीटर की बोतल को आराम से इसमें डाल सकते हैं, आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, देखिए इस प्रकार से। और यहां पे आप पानी को ठंडा भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से यहां पे आप बहुत ही बढ़िया ये सिस्टम जो है ये दिया गया है इसके अंदर। और फ्रेंड्स इसके इंजन की बात की जाए तो यहां पे आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन है। और फ्रेंड्स आप आइए इसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे की स्पेस जो है वो किस प्रकार की मिलती है। आगे तो काफ़ी स्पेस मिली हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्पेस जो है, यहाँ पे भी आप इस डोर में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 लीटर की बोतल होल्डर दी गई है जो कि काफ़ी बढ़िया है। आजकल बहुत सारे लोग बोतल लेकर चलते हैं, जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो उस वक्त आपको बोतल रखने में आसानी होती है, तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको स्पीकर और एक ट्यूटर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल रही है मुझे निरूम के लिए जो कि बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आप पीछे की सीट की बात की करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी सीट दी गई है, पीछे कोई भी एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं मिल रहा है लेकिन आगे आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कितने लोग हम बैठ सकते हैं तो 2 एडल्ट और 1 बच्चा आराम से यहाँ पे पीछे बैठ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप रियर एसी वेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए एक स्विच भी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसके पीछे भी काफ़ी जगह मिलती है आप निरूम के लिए। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं इसके पीछे की इसकी बूट की स्पेस कितनी है। तो फ्रेंड्स इसके बूट की स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 285 लीटर का बूट स्पेस मिलता है क्योंकि ये प्रीमियम हैचबैक है, ये एक हैचबैक कार है तो इतनी बूट स्पेस इसके अंदर काफ़ी है। ओवर इस गाड़ी की लुक की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत है, अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि अंदर में भी आपको डुअल टोन इसका इंटीरियर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स और काफ़ी स्पेस भी अंदर में दी गई है, आपको बोतल होल्डर के लिए काफ़ी स्पेस दी गई है। और फिट एंड फिनिश तो इस कार की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगी इसकी फिट एंड फिनिश। अब आइए इस कार को चलाकर देखते हैं कि इसको चलाने में कैसी है ये कार, इसके क्लच कैसे हैं, इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है, इसके ब्रेक कैसे हैं। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और इसको चलाकर देखते हैं कि चलाने में कितनी मज़ा आती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कार जो है ये 17,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 17,032 किलोमीटर चल चुकी है। और अब देखते हैं कि ये चलाने में किस कैसी लगती है, और इसके क्लच कैसे हैं, इसके स्टेयरिंग रिस्पॉन्स कैसी है, इसका ब्रेक जो है वो किस प्रकार का है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इसके इंजन नॉइज की, जो कि एकदम से नई है। इसकी इंजन की रिफाइनमेंट जो है हुंडई की, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और गाड़ियों के मुकाबले इसकी इंजन की रिफाइनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी है। आपको अंदर से मालूम ही नहीं होगी कि कार बंद है या स्टार्ट। अगर आप कहीं पर खड़ा हो जाते हैं तो आप, कई बार ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है कि गाड़ी स्टार्ट होने के बावजूद भी हम और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ इसकी काफ़ी एकदम बहुत ही बढ़िया मुझे लगती है। और यहाँ पे इस कार के गियर लीवर की बात की जाती है, काफ़ी स्मूथ है, एकदम चंकी सा महसूस होता है। जब भी आप सिर्फ इसको टच करना है और ये जो गियर है ये अपने आप लग जाती है। और इसके क्लच की भी बात की जाए तो क्लच भी काफ़ी लाइट है। और फ्रेंड्स, इसके स्टेयरिंग रिस्पॉन्स की भी बात की जाए तो आराम से आप एक हाथ से कार को चला सकते हैं। लेकिन आपको एक हाथ से कभी भी नहीं चलाना है। आप जब भी कार को ड्राइव करें तो आप दोनों हाथ का इस्तेमाल ज़रूर करें यहाँ पर। और इस तरह से ये कार जो है ये काफ़ी अच्छी मुझे लगती है। और इसके सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन से भी मुझे किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं लगती है। सस्पेंशन भी मुझे अच्छी लगती है, एकदम ठीक ठाक लगती है। तो इस प्रकार से इस कार की ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और इस कार को मैं जब एसी में चलाता हूँ, उसके बाद जब आप इसको चढ़ाई पर चलते हैं तो थोड़ी सी इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो कम लगती है, थोड़ी सी इंजन लैक महसूस होती है। तो वो तो इसमें मुझे देखने को मिली है। तो इस प्रकार के इस कार के साथ समस्या है थोड़ी सी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे कि 17,000 किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी से किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है। एकदम गाड़ी पहले की तरह से ही लगती है कि हाँ, अभी भी हम नई गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। और किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आती है गाड़ी से, ना ही कोई किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम अभी तक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है। और इसके साउंड की बात की जाए तो साउंड म्यूजिक सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया साउंड मुझे इसकी लगती है। तो इस प्रकार से अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं, तो अगर आप सेकेंड हैंड भी लेना चाहते हैं तो कार की पोजिशन जो है बहुत हद तक आपको बहुत अच्छी मिल सकती है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और फिट एंड फिनिश की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फिट एंड फिनिश काफ़ी शानदार है इसकी। तो इस प्रकार से ये जो कार है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी चलाने में भी, और इसकी फिट एंड फिनिश में भी, और इसके और भी जितने भी बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से यू टर्न अब हम ले लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे आप बैक कैमरा को देख सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग कैमरा को देखिए, यहाँ पे पूरी डायरेक्शन आपको दिखाई देती है कि आपकी स्टेयरिंग जो है वो कितनी कट चुकी है, और साफ साफ दिखाई देता है कि आप और कितना पीछे जा सकते हैं। मैं इसके लिए भी एक वीडियो आपको बनाकर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके ब्रेक भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर तो ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी मैं इसके ब्रेक टेस्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा, और आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके ब्रेक जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इसके ABS और EBD जो है वो किस प्रकार की काम करती है। तो यहाँ पे थोड़े से और तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, एकदम से बहुत ही अच्छा ब्रेक का रिस्पांस मिला। ABS और EBD जो है वो काफ़ी अच्छी ढंग से काम की एकदम। तो बहुत ही बढ़िया इसके ब्रेक भी हैं। तो इस प्रकार से ऑल ओवर इस कार की बात करें तो 17,000 किलोमीटर चलने के बाद भी अभी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है इस कार में। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगी इस कार की। इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप i20 अगर सेकेंड हैंड भी लेना चाहते हैं तो आप उसको देख कर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इसकी जो फिट एंड फिनिश है या फिर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी शानदार है। तो आपको काफ़ी कंडीशन में कार मिल जाती है, और इसकी रिसेल वैल्यू भी अभी मार्केट में देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है i10 और i20 की। तो आप ले सकते हैं, और अगर आप नई कार लेना चाहते हैं तो बेशक आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बढ़िया, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इस कार को लेकर ठगा चुका हूँ, इस प्रकार की कोई भी आपको फील नहीं होगी।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये कार की जो रिव्यू है ये आपको अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक आप जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और जब भी फ्रेंड्स आप कार चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं ताकि आप सेफ रहें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।